और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की जिले के एक ऐसे गांव की जहां के युवाओं ने रावण दहन होते हुए आज तक अपने गांव में नहीं देखा। गौतम बुद्ध नगर में मौजूद बिस्सा गांव में कभी रावण दहन नहीं किया जाता। बिस्सा गांव के लोग रावण को राक्षस नहीं बल्कि अपने बेटे के रूप में देखते हैं। पेश एक रिपोर्ट। इस टाइम हम मौजूद हैं नोएडा से सटे हुए बिस्सा गांव में, जहां पर ना तो रामलीला मनाई जाती है और ना ही यहां पर रावण दहन किया जाता है। इस गांव के लोग रावण को राक्षस नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं। यहां के गांव के लोगों का कहना है कि रावण कभी राक्षस रहा ही नहीं, रावण हमेशा से ही हमारे गांव का बेटा रहा है। इसी गांव में ही रावण का जन्म हुआ था, जिस कारण यहां पे लोग रावण दहन नहीं करते हैं। यहां के लोगों का मानना है कि जब जब यहां पर रावण दहन करने की कोशिश की गई है, तब तब इस गाँव में कुछ ना कुछ अपशगुन हुआ है, जिस कारण यहाँ के लोगों ने कभी भी रावण दहन करने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ एक बार इस गांव में रावण दहन करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उस परिवार में मौत हो गई थी। उसके बाद से कभी भी इस गांव में रावण दहन नहीं किया गया। पूरे देश में आज बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहरों में जगह जगह चल रही रामलीलाओं में रावण के पुतले का दहन भी होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा के बिस्सा गांव में आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इस गांव में आज मातम रहेगा। यहां लोग विजयदशमी नहीं मनाते और ना ही रामलीला का मंचन करते हैं। इसकी वजह बिस्सा से जुड़ी एक मान्यता है। माना जाता है कि रावण का जन्म बिस्सा गांव में हुआ था। रावण के पिता विश्रवा मुनि के नाम पर ही इस गांव का नाम बिस्सा पड़ा। ऐसा है, ये बिस्सा गांव के अंदर विश्वेश्वरवा जो ऋषि थे उनके नाम से ये मंदिर यहाँ राम शिवलिंग बना हुआ है। और ये शिवलिंग अभी से नहीं है, पता नहीं कितनी मुद्दतों से था, लेकिन यहाँ मंदिर वगैरह सब खंडित हो गया था। तो ये शिवलिंग जब लोगों ने आगे यहाँ देखा, और कम से कम ये कोई आपको 40-50 साल हो गए होंगे, तब जाके ये देखा इस मंदिर को, तो तब ये स्थापित किया इन्होंने शिवलिंग। बीच में दशहरा मनाने की कुछ लोगों ने यहाँ प्रयास किया था, तो जब उसके दो एक दिन के ही अंदर जब दशहरा शुरू किया, तो एक दिन के अंदर इतनी कोई किसी महान व्यक्ति की यहाँ पर स्वर्गवास हो गया, उस दिन से इसको बंद कर दिया। बिस्सा गांव में ही रावण का मंदिर बना हुआ है। यहाँ के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके आदर्शों को भी मानते हैं, लेकिन रावण को गांव के लोग गलत नहीं मानते, उसे विद्वान पंडित मानते हैं। मान्यता है कि रावण के पिता विश्रवा मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बिस्सा गांव में अष्टभुजाधारी शिवलिंग स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया था। पूर्व में ये क्षेत्र यमुना नदी के किनारे घने जंगल में आच्छादित था। विश्रवा मुनि ने घने जंगल के कारण इसे अपना तप स्थान बनाया था। गांव में अष्टभुजाधारी शिवलिंग आज भी स्थापित है। इस तरह का शिवलिंग और किसी मंदिर में मौजूद नहीं है। इस टाइम हम मौजूद हैं बिस्सा गांव के उस मंदिर में ही, जहां पर रावण अपने पिता के साथ तपस्या किया करते थे। ये वही शिव मंदिर है जहां पर रावण अपने पिता के साथ सालों तपस्या किया करते थे। ये बिस्सा गांव में ही रावण का जन्म हुआ था और यहीं पे रावण और शिव मंदिर में आकर अपने पिता के साथ तपस्या करते थे। यहीं से ही उनको रावण को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी शिव मंदिर से ही तपस्या करने के बाद रावण को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गाँव के युवाओं की माने तो ऐसा नहीं है कि गाँव के लोगों ने रावण दहन करने की पहले कभी कोशिश नहीं की, लेकिन गांव के लोगों की दो बार की गई कोशिश दोनों बार विफल ही साबित हुई। गांव के जिस परिवार ने रामलीला या फिर रावण दहन करने का प्रयास किया, उसके घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। इस ये बिस्सा गांव है, इसमें जो रावण का दहन इस वजह से नहीं किया जाता है कि पहले कुछ समय पहले लोगों ने किया था, यहाँ पे रामलीला भी हुई थी, तो जब ये चीजें होती थी तो गांव में कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता था। मिथा कह जी, एक पहले कभी जलाते थे तो कुछ दुर्घटना हुई थी, तो लोगों ने सोचा इस कारण से होगी, इसलिए नहीं जलाते।
हाँ दशहरा मनाते हैं सब, दिवाली दशहरा सब मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। इस क्षेत्र ने जिस तरह से सबसे तेज तरक्की की, उतना ही प्राचीन मान्यताओं को भी इस गांव के लोगों ने माना। आज के समय में भी बिसरख गांव के लोगों में आस्था है, जो गांव के लोगों को एकजुट किए हुए है। इस गांव में ऐसा फरमान सुनाया जा चुका है कि गांव में रामलीला या फिर रावण दहन ना किया जाए, ताकि गांव में अपशगुन का अंदेशा ना हो। नोएडा का ये बिसरख गांव हाईटेक जरूर होता चला गया, लेकिन हाईटेक होने के बावजूद भी आज भी इस गांव में कभी भी रावण दहन नहीं हुआ। इस बात का मलाल यहां के युवाओं और यहां के लोगों को हमेशा रहता है। जब जब रावण दहन होता है तो इस गांव के लोग बाहर जाकर रावण दहन देखते हैं, और इस गांव में रावण दहन नहीं होता है, जिस बात का मलाल यहाँ पर रहने वाले हर किसी को है। ग्रेटर नोएडा से रमन सिन्हा के साथ मैं विवेक यादव, इंडिया।